नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको सैर कराएंगे जनूबी पंजाब में वाकई मशहूर ज़िला बखर की। नाज़रीन, ज़िला बखर दरियाए सिंध के साथ वाकई एक पसमानदा ज़िला है और इसके दो हिस्से हैं, इंडस वैली और थल हैं। थल इसका रेगिस्तानी हिस्सा है जबकि इसका दूसरा हिस्सा कच्चा पर मुश्तमिल है जो कि दरियाए सिंध की पट्टी के साथ वाकई है। ज़िला बखर को 1982 में ज़िला का दर्जा दिया गया जबकि इससे पहले यह मियांवाली का हिस्सा था। इस वक्त ज़िला बखर का कुल रकबा 8,153 मुरबा किलोमीटर है और आबादी 16,50,518 है। ज़िला बखर की चार तहसीलें बखर, दरिया खान, कलूरकोट और मनकेरा हैं। मनकेरा रकबे के लिहाज से पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। नाजरीन, ज़िला बखर के बानी बक्कू खान बलोच थे जिनका नाम पर ये शहर आज भी आबाद है। कहा जाता है कि सिंध के इलाका बखर के कुछ लोग बहकर आए थे जिनके नाम पर इसका नाम बखर रखा गया। कहा जाता है कि ज़िला बखर एक अमीर इलाका जाना जाता था और दरियाए सिंध अपना सोना उगलता था। यहाँ की खुशहाली देखकर सिकंदर के आदमी मनकेरा और खानसर की सरजमीन पर टूट पड़े। ज़िला बखर को एक और अहमियत इसलिए भी हासिल है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले तमाम हमला आवर जो बड़े सग़ीर में दाखिल हुए वो बखर के रास्ते से ही दाखिल हुए। शेरशाह सूरी की मशहूर जर्नैली सड़क यहाँ मौजूद थी लेकिन 5 दहाइयाँ पहले दरिया के कटाव की वजह से वो दरिया बुर्द हो गए। नाज़रीन मोहतरम, बखर रेलवे स्टेशन बखर शहर के वास्ते में वाकई है। ये एक कदीमी इमारतों में से एक है। ये रेलवे स्टेशन यहाँ की गरीब आवाम के लिए सफ़र का एक बहुत बड़ा अहम ज़रिया है। तहम, टिबा अकबर शाह और डाक चौकी बखर और सिमत नुमा मीनारों के आसार आज भी यहाँ मौजूद हैं। बखर में बहुत सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं जिनमें कसर जैनब और पंडित प्रकाश लाल जी का मंदिर जो काबिल दीद हैं। यहाँ दो शेर इसकी पहचान हुआ करते थे जिनकी आंखों में हीरे जड़े हुए थे लेकिन ये सब हवादसे ज़माना की नज़र हो। तारीखी मकामात में से दिलकुशा बाग अपनी मिसाल आप है। ये बाग मुग़ल शहनशाह जहांगीर की बेटी महरुन्नसा ने दरियाए सिंध की आदि गुजरगाहों के वास्ते में लगवाया
वालों ने काफ़ी अर्सा यहाँ पर पड़ाव किया और एक कुआं खुदवाया जिसका पानी बहुत मीठा था। उन्होंने दो तख्त बनवाए जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। ज़िला बखर की एक तारीख की बात यह भी है कि हाल ही में ज़िला बखर के इलाका बस्ती सियाल में एक ख़जाना दरियाफ्त हुआ जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर के सिक्के भी दरियाफ्त हुए जिन्हें बाद अजां लाहौर म्यूजियम में ट्रांसफ़र किया गया। नाज़रीन मोहतरम, ज़िला बखर की तहसील मनकेरा में तकरीबन 400 साल पहले तामीर किया जाने वाला किला जिसे नवाब सरबुलंद सदुजई के दौर में तामीर किया गया और फिर सिखों से शिकस्त के बाद ये किला राजा रंजीत सिंह के कब्ज़ा में रहा और अब ये एक माजी का किस्सा बनकर रह गया है। नाज़रीन, डीएचजी असगर ख़ान, जिन्हें उनके स्टाइल की वजह से हलाकू ख़ान कहा जाता था, उनका ताल्लुक भी ज़िला बखर से ही है। चार दिनांदा प्यार और रब्बा गाने वाली मशहूर गुलकारा रेशमा का ताल्लुक भी बखर से बताया जाता है। ज़िला बखर के मशहूर सियासतदानों में एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला, जो कि ढांडला फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी बासलाहियत क़यादत और हुस्न अखलाक की वजह से बहुत मशहूर शख्सियत हैं। इनके अलावा आदिल नज़ीर उतरा, सनाउल्ला मस्ती खैल और सईद अकबर ख़ान नवानी और रशीद अकबर ख़ान नवानी भी बखर की सियासत में सर फहरिस्त हैं। नाज़रीन, यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। गन्ना, गंदम और चना यहाँ की मशहूर फसलें हैं। पंजाब का तकरीबन 50% चना ज़िला बखर में काश्त किया जाता है। बखर से गुजरने वाली पक्की नहर जिसे थल कैनाल का नाम दिया गया है, ये बारानी इलाका को सैराब करने का अहम जरिया है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप आसानी से देख सकें।